एक्चुअली सारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम स्कोर क्यों नहीं कर पाते, हम एंग्शियस क्यों रहते, क्योंकि हम टाइमर से डरते हैं। आपको टाइमर से रेस लगानी है। जब आप टाइमर से रेस लगाना सीख जाओगे और वो एंग्जाइटी आपकी जो ऊपर नीचे होती है जब आप टाइमर को देखते हो, जब वो बंद हो जाएगी ना, तो आप शायद 18 मिनट में भी पूरे 35 क्वेश्चंस कराओगे। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिलीज। मे ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू दिस दिवाली एंड यू हैव अ वेरी प्रॉस्परस दिवाली। और आगे आने वाली जो दिवाली है नेक्स्ट ईयर की, आई होप तब तक आपकी जॉब हो आपके पास एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट विद द जॉब। आज की वीडियो जो है वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी, लेकिन इसकी नीड मुझे तब फील हुई जब मैंने IBPS PO के प्री के बाद बहुत से लोगों से बात की। और होता है ऐसा, यू नो, वो एक सब्जेक्ट जो है रीजनिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड होकर जाते हैं कि उसमें तो हम 30+ स्कोर कर देंगे, बाकी अगर दोनों में एवरेज हुआ तो भी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो भी हमारे अटेम्प्ट्स अच्छे जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि आप इंग्लिश में भी अंडर परफॉर्म किया आपने, फिर क्वांट में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और उसका जो बिल्डअप था प्रेशर का, उसने आपको मजबूर कर दिया कि आप रीजनिंग में भी अंडर परफॉर्म करें, और उसके बाद अटेम्प्ट्स कम हो गए, और अब ऐसा लग रहा है उनको या तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो बिल्कुल मार्जिन पर है, तो पता नहीं चल रहा है कि मेंस की प्रिपरेशन करे या नहीं करे, वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स का। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, उस चीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि क्या रीजनिंग में 35 आफ्टर 35 मार्क्स आना पॉसिबल है, और अगर है पॉसिबल तो क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी तो आप 35 मार्क्स लेकर आ सकते हो। मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो शायद आप जानते हैं, हर चीज के बारे में एकदम डिटेल में खुल के बात करेंगे, ताकि जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं या फिर जो भी थोड़ी बहुत कमियां आपकी चल रही हैं वो आप रीजनिंग में सुधार सको। तो वीडियो एंड तक देखना क्या क्या चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, और कितना टाइम आपको लगता है। हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं रीजनिंग में कि किस में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लाना पॉसिबल है, उसके लिए क्या चीजें आपको करनी है उसके बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के सेक्शन के हर टॉपिक को टच करके चलते हैं और हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी आप देखो। इनइक्वालिटी आप मुझे बताओ कि आपको कितना टाइम लगता है इनइक्वालिटी करने में, एक्चुअल में कितना लगना चाहिए इनइक्वालिटी में? 10 से 12 सेकेंड्स हर क्वेश्चन में, 10 से 12 सेकेंड्स से तो लगने नहीं चाहिए। अगर वो प्री का इनइक्वालिटी है इतना ही टाइम उसमें लगता है। और मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आपको नहीं आता ना तो आप मुझे बताना कि आप कैसे करते हो, फिर मैं एक कोई वीडियो बना के उसमें बता दूंगी आपको। 2-3 मिनट का वीडियो होगा नॉर्मल, आप वो देख लेना कि कैसे आपको इनइक्वालिटी करना चाहिए। उससे आपकी जो स्पीड है बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आपको रोज ना सेक्शनल टेस्ट देने हैं, रीजनिंग के क्विजेस देने हैं, आपको टाइमर। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम स्कोर क्यों नहीं कर पाते, हम एंग्शियस क्यों रहते, क्योंकि हम टाइमर से डरते हैं। आपको टाइमर से रेस लगानी है। जब आप टाइमर से रेस लगाना सीख जाओगे और वो एंग्जाइटी आपकी जो ऊपर नीचे होती है जब आप टाइमर को देखते हो, जब वो बंद हो जाएगी ना, तो आप शायद 18 मिनट में भी पूरे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस कराओगे। जो अगला टॉपिक है वो है सिलॉजिज्म। अब सिलॉजिज्म में आपको आपने देखा होगा आजकल कि ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस मोस्टली प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है। वो कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल से पूछे था, वो मेंस में भी पूछ सकते हैं, तो उन पे आपको ध्यान रखना है। अब सिलॉजिज्म में भी आपको 30 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में लगना चाहिए। 15 सेकंड में आपने वो डायग्राम बनाया और 15 सेकंड के अंदर आप वो क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जो रीजनिंग है या फिर पूरा का पूरा प्रिलिम्स है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स जो हैं और जो आपकी नॉलेज है वो चेक होती है आपकी आगे सेकंड फेज में और थर्ड फेज में, लेकिन प्रिलिम्स में तो सिर्फ आपकी स्पीड चेक होती है कि कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। YouTube पे सर्च करो, ये सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। YouTube पे सर्च करो, सिर्फ Google पे सर्च करो, आपके जो मॉक टेस्ट है आपके पास अवेलेबल वो करो। प्रैक्टिस मॉक के ऊपर आपको क्विजेस मिलते हैं, वो मिनी मॉक्स वो करो। अड्डा पे आपको क्विजेस मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज कि आप लोग हमेशा मुझे पूछते रहते हो कि प्रैक्टिस मॉक पर कोई ऑफर नहीं है, तो क्या फाइनली प्रैक्टिस मॉक पर ऑफर आ गया है? 22nd to 25th of October आप लोग अवेल कर सकते हो 20% डिस्काउंट, जो कि PM20 कोड यूज करके आप कर लोगे। और आप देख सकते हो कि कितने कम प्राइजेस अब हो गए हैं, तो आप ये वाले सारे चेकआउट कर सकते हो 22nd to 25th of October। प्लीज गो अवेल द ऑफर। बात करते हैं आगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको 2 से 3 मिनट लगने चाहिए पूरे में,
क्वेश्चंस करने के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशन में ना मेरे साथ क्या होता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ब्लड रिलेशन में हमेशा फंसती थी, हमेशा मतलब मेरा रिकॉर्ड रहा है कि ब्लड रिलेशन तो मेरा बनना ही नहीं है, ऐसा होता था। तो मैं वो करती थी कि मैं लास्ट में ही चूज करूंगी, अगर मैंने स्टार्टिंग में वो ब्लड रिलेशन उठा लिया तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मैं उस पर फंसे रह जाऊंगी, मेरा दिमाग वहां अटक जाता था। और ये चीज भी हमको सीखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं तो हमें वहां स्टक होके नहीं बैठना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में हमें सीखना पड़ता है कि हमें अपने ईगो पे नहीं लेना उस क्वेश्चन को, ना तो हमें उसको अपने दिमाग पे चढ़ाना है कि नहीं नहीं ये मुझसे क्यों नहीं बना, ये तो दो लाइन का दिख रहा है, तो तीन लाइन का दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कितने किए। कोई बात नहीं, कई बार होता है शायद हम कुछ स्किप कर रहे होंगे, तो हम जब वो सारे क्वेश्चन बाद में आकर करते हैं तो कभी कभी हो जाते हैं वो क्वेश्चन, तो उस टाइम पे उसको वहीं ड्रॉप करना है और आगे बढ़ना है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी एसबीआई का प्रीलिम्स है आपका, ठीक है, क्लर्क का और पीओ का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारे सारे पॉइंट्स। और आपको पता है कि आजकल एग्जाम का लेवल जो है वो कैसा आ रहा है कि लेवल तो इतना हाई नहीं, लेकिन फिर आपको अटेम्प्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं, तो वो अटेम्प्ट्स तभी ज्यादा होंगे जब आप अपने स्कोर पे काम करोगे, जब अपनी प्रैक्टिस पे काम करोगे। उसके बाद डायरेक्शंस में मेरा एक सजेशन है आपको कि जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हो, बेशक आप कितने भी अच्छे हो डायरेक्शन में, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हम गलती कर देते हैं, नॉर्थ को साउथ बना देते हैं, कुछ भी ऐसा हम कर देते हैं। इसीलिए एक मेरा सजेशन है आपको, इस तरह से आप सेक्शंस बना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ लिख लो, वहां आपके सामने वो दिखना चाहिए। और जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि हाँ वो नॉर्थ जा रहा है ईस्ट जा रहा है, तो आपको सब कुछ वो साइन से दिखना चाहिए कि हाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ जाएगा, ईस्ट है तो ईस्ट जाएगा। अब बात करते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है पजल्स, जो मोस्ट ऑफ पेपर कंप्राइज करती है और जिसमें ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। अब प्रीलिम्स की पजल्स में क्या होता है कि आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा लगने ही नहीं चाहिए किसी भी पजल में, 2 से 3 मिनट का आपको अपना टारगेट रखना है और आपको ना अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी है। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बताऊं तो सर्कुलर पजल्स, क्योंकि सर्कुलर प्रीलिम्स में कैसी आती है, वो ही 8 लोग बैठे होंगे, इस तरह की कोई पजल आएगी, और उसके बाद आपकी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बेस्ड पजल्स आती है, जो कि ऐसा होता है कि कॉर्नर से बैठे हैं और मिडल में बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, या कुछ लोग इनसाइड द फेस कर रहे हैं सेंटर, कुछ लोग आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये मेरी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। जो फ्लोर वाले क्वेश्चंस होते थे कि 10 फ्लोर्स हैं और ये इसके नीचे स्टैक बेस्ड पजल्स एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स, वो मेरी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। और जो पैरेलल वाली पजल्स हैं वो मेरी स्ट्रेंथ होती थी। एक होती है नेवर स्किप पजल, वो वाली पजल मतलब वो ऐसा मान लो कि अगर आपकी 3 शिफ्ट आ रही है तो 3 में से एक ना एक शिफ्ट में आएगी, वो बहुत ही एग्जामिनर की फेवरेट पजल होती है और वो भी मेरी स्ट्रेंथ थी। जैसे वो मैं कौन सी बोलती हूँ आपको बताती हूँ, 3 लोग हैं एबीसी जिनका प्रोफेशन है कुछ अलग अलग, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मान लो कि आर्टिस्ट है, और उसके बाद फिर वो कहीं किसी शहरों में रहते हैं और कोई कला पसंद करते हैं। ऐसे होता है ना जो लिखने में लगती है कि 3-4 वेरिएबल की पजल है और बहुत डिफिकल्ट है, सच में वो सिर्फ 2 मिनट में बनती है वो पजल, इतनी इजी पजल होती है वो। तो वो अगर आपको नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं कोई 1-2-3 क्वेश्चन उसके करवा दूंगी। वो बहुत ही सिंपल पजल है, अगर आप सर्च भी करोगे ना नेवर्स के पजल, शायद उसका वो नाम ना हो पर कुछ नाम पसंद के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बता पाएंगे कि हाँ हमें पता है कि जो नेवर्स के पजल होती है वो कैसी होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पहचाननी है पजल्स के अंदर भी। जैसे मैं अगर अपनी वीकनेस बताऊं तो मेरी जो वीकनेस होती थी वो थी एज बेस्ड पजल्स नहीं होती है, वो मेरी वीकनेस थी कि मेरे को उसमें टाइम लगता है। और मैं ना हमेशा एक पॉसिबिलिटी उसमें होती थी जो आप शायद आप लोगों ने देखी होगी वो वाली, कि मान लो 2 लोग हैं एम एन एन और पी क्यू, तो एम और एन के बीच में जितना डिफरेंस है एज का उतना पी और क्यू के बीच में भी है, जितने लोग उसमें बैठे हैं उतने लोग उसके बीच में बैठे हैं, ऐसा करके कुछ वो पजल होती है ना, वो एक लाइन मेरे को अटका देती थी हमेशा, वो एक लाइन अटकाती थी। मैंने बहुत प्रैक्टिस की बट मेरे को समझ आ गया कि हाँ यहां मैं अटकती हूँ तो मैं इस वाली इसको एकदम लास्ट में करूंगी। उसके बाद डेसिग्नेशन वाली पजल्स आती हैं जो कि बहुत इजी होती है, मेरी स्ट्रेंथ थी वो। और आजकल ना एक और है कि पहले देखते थे हम कि फ्लोर और फ्लैट वाली जो पजल्स हैं वो सिर्फ मेंस में आया करती थी, लेकिन अब एग्जामिनर की काफी फेवरेट हो गई हैं और वो प्री में भी पूछते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वो वाली सारी चीजें जो अभी ट्रेंड के साथ साथ बदल रही हैं आपको वो करना है। उसके बाद जैसे नए नए मेथड्स आते रहते हैं कि आपका थ्रेड मेथड है या कोई और मेथड है जो न्यू इन्वेंट होता है, देखो तैयार उसको ना ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई नया मेथड है। थ्रेड मेथड के ऊपर मैंने कि वो कितना इफेक्टिव है, आपको करना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना कि वो आपके लिए वर्क करता है कि नहीं, मैंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन आपको वहां पर बताई है। तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज ना फिट हो रही हो, तो यार पता है प्रैक्टिस आप इतनी कर लो कि आपका जो आपका मेथड है ना वो आपका आपके लिए काम करेगा और वो बेस्ट होना चाहिए बस। बाकी और कोई कुछ भी कर रहा है हमें उससे लेने देने नहीं, इतनी प्रैक्टिस करनी है।
अब एक जो चीज है ना जो मोस्टली लोगों ने फेस की होगी और जो मैंने भी फेस किया एज एस्पिरेंट कि पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता था कि मेरी ना हमेशा एक ना एक लाइन बीच में स्किप हो जाती थी कहीं पजल की और उसके बाद वो मैं बैठी रहती थी वो पजल मेरी बन नहीं रही और मेरे साथ मॉक में ऐसा बहुत होता था और इतना ज्यादा होने लग गया था स्टार्टिंग में तो मेरे साथ कि फिर मेरा ना मॉक देने का मन नहीं करता था। मैं हमेशा बोलती थी यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत लोगों से बात की इस चीज के बारे में जो अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ते थे। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं हमेशा हर पजल में स्किप कर रही हूँ कोई ना कोई लाइन। फिर मेरे को समझ आई इसकी एक रीजन तो ये थी कि मैं बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं हूँ जब मैं मॉक कम देती हूँ और मैं मॉक कम देती हूँ तो मेरा एंग्जाइटी लेवल वैसे ही बढ़ा रहता है जब मैं मॉक दे रही हूँ जब टाइमर चल रहा है। दूसरा मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी ज्यादा तो इसीलिए ना फिर मैंने शुरू किया कि मैंने क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट रोज देने शुरू किए। मैंने टाइमर के साथ पजल्स घर पे बैठ के स्टॉपवॉच लगा के पजल्स देनी शुरू की और उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैं स्क्रीन पे होती थी ना तो मैं फोन में दे रही हूँ या फिर मैं कभी कभी किसी का लैपटॉप मांग के अगर दे रही हूँ मॉक टेस्ट तो मैं अपनी फिंगर रखती थी उस पर और मैं फिंगर के साथ साथ पॉसिबिलिटीज क्योंकि मैं पॉसिबिलिटीज नोट करती हूँ तो मैं पहले नोट करके उसके बाद बनाती थी वो पॉसिबिलिटी। तो तब से मेरी जो वो लाइन वाला है ना वो हो गया कि लाइन तो मैं स्किप नहीं करती थी बट कई बार होता था कि मैं पॉसिबिलिटीज गलत नोट डाउन कर लेती थी। तो उस पर भी बस प्रैक्टिस है वो तो और अटेंटिव जितना आपका माइंड रहेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितना आप कम डरोगे एग्जाम से तो उतने नंबर ऑफ मॉक्स दोगे तो आपका एग्जाम का डर खत्म होगा। तो इन सब चीजों से खुद को प्रैक्टिस करने से खुद पे काम करने से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी ये खत्म हो जाएंगी। मैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के बारे में जिक्र करना भूल गई। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यार प्रीलिम्स की ना आप जितनी बनती है ना आप बना लो अगर 3-4 भी बन रही है ना तो बना लो क्योंकि बहुत क्विकली वो एलिमिनेट हो जाती है। लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बचेंगी जिसमें से भी एक एलिमिनेट होकर आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि नहीं एक ही पॉसिबिलिटी में करो क्योंकि वहां पर आपको साफ करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने MN लिखा आपको पता ही नहीं चल रहा है UV लिखा आपको पता ही नहीं चल रहा तो ये नहीं करना है। आप पॉसिबिलिटीज बनाओ वो फटाफट से एलिमिनेट हो जाएंगी और फिर 2 पॉसिबिलिटीज बचेंगी आराम से आप उनमें से एक एलिमिनेट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो एग्जामिनेशन में हमेशा बोलती हूँ कि एग्जामिनेशन में आपकी जो मेंटालिटी है वो कैसे काम करती है कि जितने भी बॉक्स में आपको नंबर ऑफ ग्रीन्स दिख रहे होते हैं ना उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि स्टार्टिंग में सच में ये शायद मैंने आपको पहले बताया होगा किसी वीडियो में और 2020 के एग्जामिनेशन में IBPS PO में एंड SBI PO दोनों में स्टार्टिंग के 7 से 8 मिनट मेरे अटेम्प्ट जो थे क्वेश्चन के रीजनिंग में जीरो थे और उसके बाद मैंने 27-28 क्वेश्चन किए वहां से। मतलब उस टाइम पे पेपर भी थोड़े डिफिकल्ट आए थे बट ऐसा हुआ मेरे साथ दोनों एग्जामिनेशन में कि मैं वहां अटक गई बीच में। स्टार्टिंग का क्वेश्चन हुआ सबसे पहले ऐसी पजल्स उठा ली मैंने जो कि मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है या फिर ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जो कि मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है जैसे कि ब्लड रिलेशन या फिर कोई क्वेश्चन बेस्ड पजल क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सबने बोला है कि फर्स्ट नंबर से शुरू करना होता है हर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर से शुरू करूंगी तो ही होगा जबकि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और होती थी मॉक में। लेकिन बाद में लास्ट में मैंने किसी का कुछ सुन के मैंने वो स्ट्रैटेजी चेंज किया और जो मैंने वर्क नहीं किया तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ ऐसा नहीं करना। इवन तो मैंने क्लियर किया एग्जामिनेशन क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है ना उसके बाद फिर मैंने जिन जिन चीजों पर मुझे पता है कि हाँ जो मेरी स्ट्रेंथ है उन पर मैंने इतना अच्छा काम किया हुआ था कि उन्होंने मुझे बचा लिया उस एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर वो मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती तो शायद उस टाइम मेरे प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुए होते। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा आप खुद पे काम करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आपकी प्रैक्टिस ही बचाएगी चाहे एग्जामिनेशन डिफिकल्ट हो चाहे एग्जामिनेशन इजी हो चाहे बाकी 2 सेक्शंस आपके खराब हो गए हो लेकिन अगर आपने खुद पे इतनी प्रैक्टिस की हुई है ना तो आपको वो जरूर बचाएगी वो जरूर काम में आएगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जो आपको करने हैं। अब भी चलो दिवाली है आप एक दो दिन रेस्ट लो आप समझो खुद को कि आप कहाँ ना गलत कर रहे हो क्या चीजें ऐसी हैं जो आप शायद नहीं कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो या फिर किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि जिस ट्रेंड में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हो। तो वो कुछ चीजें आप एनालाइज करो इन दिनों में बैठ के और उसके बाद जब आप वापस आते हो जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो एक दिन बाद तो फिर आप उस टाइम वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि फिर आपको डर नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ कैसा भी एग्जामिनेशन आए हम तो फोर्ड कराने वाले हैं। ठीक है ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल। मैंने सारे डाउट्स के क्लियर कर दिए। फिर भी कुछ बचता है तो कॉमेंट में पूछ लो आई विल डेफिनेटली टेल यू एंड आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी दिवाली अगैन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा लगता है अगर सब्सक्राइब कर देते हो आप लोग तो चलो ठीक है। आई सी यू ऑल बाय बाय।